कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि सेक्टर 2, सेक्टर 3 व सेक्टर 4 में लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए 3 सड़कों का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इन 3 सड़कों के निर्माण कार्य पर सरकार की तरफ से 67 लाख रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। इन सड़कों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर अधिकारी बाकायदा विशेष फोकस रखेंगे। विधायक सुभाष सुधा आज देर शाम सेक्टरों की सड़कों के निर्माण कार्य के शुभारंभ के अवसर पर लोगों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा ने सेक्टर 2 में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली मारुति सुजुकी शोरूम के सामने वाली सड़क, इसी प्रकार सेक्टर 3 गुरुद्वारा साहिब के सामने 39 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क तथा सेक्टर 4 में विजडम वर्ल्ड स्कूल के सामने बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस सड़क के निर्माण कार्य पर लगभग 18 लाख रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की सभी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। इस शहर में आने वाले कुछ समय में ही कोई भी सड़क टूटी नहीं रहेगी। इसके लिए नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा टूटी सड़कों का सर्वे करके एस्टीमेट तैयार कर लिए गए हैं और सरकार से अनुमति मिलते ही सड़कों का निर्माण कार्य धीरे धीरे पूरा कर लिया जाएगा। इस शहर के सभी सेक्टरों की अंदरूनी सड़कों को ब्लॉक से बनाया गया है। इससे सभी लोग सरकार की प्रशंसा भी कर रहे हैं। इस मौके पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी, डीपी, भाजपा नेता रामपाल पाली, दुष्यंत बख्शी, अमित सैनी, राजन जैन सुल्तान सहित अन्य गणमान्य लोग और अधिकारीगण मौजूद रहे। सेक्टर 3 में, सेक्टर 2 में और कई अन्य सड़कों का उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए, बहुत दिनों से ये सड़कें जो है खराब पड़ी थी और कुछ 2 साल कोरोना महामारी के कारण सड़कों का काम रुका हुआ था। 1 साल किसान आंदोलन के तहत हम 3 साल बिल्कुल भी काम नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी हमने गति को कम नहीं किया, उसी स्पीड से हमने गति को काम किया और लगभग अब फिर हमने इसको शुरू किया है। आज सेक्टर 3 की जो मेन सड़क थी, इसकी बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी, 39 लाख की लागत से 2 MM के इसमें हम लगाएंगे ब्लॉक और उसके तहत ये बढ़ाई जाएगी सड़क। इसके साथ मूर्ति 2 के सामने सड़क थी, 10 लाख की लागत से मैंने उसको मूर्ति भी कर दिया। इसी प्रकार CA स्टाफ के पास अभी 18 लाख रुपये की सड़क है जो उसका आज शुरू करेंगे। उसके साथ ही 31 लाख रुपये की सड़क है सेक्टर 4 में। तो ये 4 सड़कें जो है 1.6 करोड़ रुपये की लागत से हम 4 सड़कों का आज निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं। और मैंने आज एक अधिकारियों की मीटिंग भी ली थी, जो है अपना DMC की भी और EO की, और स्पष्ट तौर पर मैंने उनको कह दिया कि शहर के अंदर जहाँ भी पैच वर्क है उसको तुरंत प्रभाव से पैच वर्क लगाए, कोई मौसम ऐसा आ रहा है पैच वर्क लगा दे तो सड़कों का निर्माण हो सकता है उसी मेजर कराया जाए जहाँ पैच वर्क है। और लाइटिंग का खास तौर पर व्यवस्था कहीं भी मेरे को शिकायत ना मिले, पूरी लाइटिंग सिस्टम को ठीक किया जाए। और इसके साथ साथ कोई भी सड़क बनेगी, अब इसके अंदर हमने DMC को भी और EO को सेक्शन दे दिए, अधिकारी वहाँ पर खड़े होंगे, खुद कराएंगे काम, किसी प्रकार का क्वालिटी का कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कोई भी क्वालिटी का कम्प्रोमाइज करेगा इमीडिएट उसकी कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। और साथ में मोहल्ले वालों से लिखवा के लिया जाएगा कि ये गली ठीक ठाक बनी है तो तब पेमेंट होगी, नहीं पेमेंट लीज नहीं होगी। टाइम लिमिट भी रखी हुई है, कितने टाइम में हो जाएगी ये? विद इन 2 मंथ बन जाएगी सड़क, ये 2 महीने बन जाएगी मैडम, 3 महीने में। हाँ, इसका बेस बनेगा, बेस बनने के बाद फिर से 2 MM की सड़क का लगेगा। विधायक जी, जैसे बीच की गलियां हैं उनमें पानी का लेवल बड़ा दिक्कत का काम रहता है बारिश के टाइम में। देखिए, बारिश के समय में तो हमेशा फ्लड के एरिया है, कुछ लोगों का मकान नीचे है, हमें उस हिसाब से क्योंकि मकान ऊंचे हैं तो उनकी बेस के हिसाब से हम उसको देखते हैं किस प्रकार से लोगों को ना सुविधा रहे। जिसका मकान बेचारे का जिसका है ही निचे तौर बना हुआ है तो उसको हम इस प्रकार से अगर उसको सड़क चौड़ी ऊँची कर देंगे तो भी उसके लिए नुकसान अंदर पानी जाएगा। तो जिसका मकान ऊंचा बना उसके नीचा जगह तो उसके लिए हमको लेवल ले लेते हैं ताकि किसी का नुकसान ना हो, तो उससे हम बनाया जाए। सर, खबर हमारे यहाँ के लिए डॉक्टर राजेश ओझा की रिपोर्ट।